ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। अस्सलाम वालेकुम। 30 अक्टूबर 2022 कराची में मेगा आईटी रेवोल्यूशन का दिन है। आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स, यही पाकिस्तान की तारीख बदलेंगे, यही कराची में और पाकिस्तान में आईटी का रेवोल्यूशन लाएंगे। आए इनसे पूछते हैं कि इनके क्या रिव्यूज़ हैं और ये क्यों इतनी लाइंस बना के और इतनी धूप में मेहनत कर रहे हैं और अभी टेस्ट भी अटेम्प्ट करेंगे इनके। आए ज़रा इनके इंटरव्यूज़ लेते हैं। अच्छा, मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, बिलाल अहमद। तो भाई क्यों आए आप यहाँ पे? सर देखें, यूनिवर्सिटी से तो फारिग हैं हम लोग, ठीक है, कर करा के बैठे हैं। तो ये है कि अभी यूनिवर्सिटी का वो मयार नहीं है कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाए उसको उस एडवांस तक या उतना डीपनेस तक लेके जाया जाए। बिल्कुल। तो मैंने समझा कि चलो हमने कुछ वेब डेवलपमेंट के इसके साथ या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हवाले से पढ़ा भी है, तो यहाँ आके इंशाल्लाह क्या पता उसी सब्जेक्ट के अंदर थोड़ी मजीद नॉलेज या थोड़ा मजीद एक्सपीरियंस हासिल हो सके। इंशाल्लाह मुझे सलानी वालों पर पूरा मतलब यकीन है कि वो मुझे इतना स्किल्ड कर देंगे कि मैं आगे जाके अर्निंग कर सकता हूँ एज अ फ्रीलांसर। पाकिस्तान में ये जितनी आप बेरोज़गारी देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इस दौर के अंदर फ्री कोर्सेज़ करवाना इतना आसान नहीं है। फ्री कोर्सेज़ ऐसे के जो वर्ल्ड क्लास हैं, यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स पहले भी मैं देख चुका हूँ और पर्सनली मिल भी चुका हूँ कि जो एक अच्छे लेवल पर जॉब्स कर रहे हैं और इस पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। थैंक यू। का वो मैदान देखे, वो मैदान देखे के तालीम से अपनी पहचान देखे, हाँ पहचान देखे, पढ़े और पढ़ाने की मेहनत करें हम,